टुडे वी विल स्टडी अबाउट साइक्लोट्रॉन। सो साइक्लोट्रॉन बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम हाई स्पीड पार्टिकल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो इट इज़ अ डिवाइस यूज टू एक्सेलरेट पॉजिटिवली चार्ज आयंस और पार्टिकल्स टू वेरी हाई स्पीड्स। तो बेसिकली हम इसमें प्रोटॉन्स को एक्सेलरेट करवाते हैं और हमें हाई स्पीड पार्टिकल्स डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए चाहिए होते हैं। जनरली we need proton of high energy for experiments of nuclear physics. तो nuclear physics के जितने भी experiments होते हैं उसके लिए हमें high energy particles की requirement होती है, because nucleus is bombarded with high energy protons, because otherwise it is not easy to reach the nucleus. If we have high energy particles, then we can easily bombard this nucleus. और वी कैन यूज़ इट टू चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। सपोज हमारे पास कोई सॉलिड मटीरियल है, उसमें हमने आयंस को इंसर्ट करना है, बट बिकॉज ऑफ ऑल द अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेज इनसाइड द न्यूक्लियस, इट वुड बी वेरी टफ एंड इट इज़ ओनली पॉसिबल विद हाई एनर्जी पार्टिकल्स। सो वी नीड साइक्लोट्रॉन फॉर ऑल दीज पर्पसेज। वी विल डिस्कस द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड सम एसोसिएटेड फॉर्मूलाज रिलेटेड टू द साइक्लोट्रॉन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन। अब साइक्लोट्रॉन में हमारे पास दो फील्ड्स होते हैं, एक तो होता है मैग्नेटिक फील्ड एंड दूसरा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ द रोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज दैट इट विल टर्न द चार्ज पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन। दिस वी डिस्कस्ड इन द वीडियो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। आई विल गिव यू द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पे सपोज मैग्नेटिक फील्ड है perpendicular to page of paper inwards, और यहाँ पे आपने एक particle incident करवाया with velocity v perpendicular to this magnetic field, मतलब यहाँ v और b में जो angle है that is 90 degree। तो ये जो magnetic field है ये इस particle को circular motion दे देगा, and this charged particle will start moving in a circular path। तो magnetic field सिर्फ और सिर्फ इस particle की direction of motion change करेगा, there will be no change in velocity of particle। magnetic field कभी भी charged particle को accelerate नहीं करवाता है, वो सिर्फ क्या change करता है उसकी direction of motion। this thing you should keep in mind। और हमने तब वहाँ discuss किया था कि जब ये circular motion में move करता है तो यहाँ radius of circular path होता है mv over qb, because हम ये use करेंगे cyclotron में, मतलब जैसे जैसे इस circular path की velocity बढ़ेगी वैसे वैसे उसका radius बढ़ेगा। मतलब यहाँ से अगर आप और ज़्यादा high velocity particle incident करवाते हो तो उसका ये radius of circular motion भी increase हो जाएगा। next हमने किया था time period, that is time taken to complete one revolution is 2 pi m over qb। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी। मतलब अगर कोई छोटी रेवोल्यूशन है उसे कंप्लीट करने के लिए मान लो 0.2 सेकंड्स लगते हैं, तो एक बड़ी रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में भी 0.2 सेकंड्स ही लगेंगे, बिकॉज यहाँ पे रेडियस इंक्रीज हो जाएगा एंड रेडियस एंड वेलोसिटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी तो टाइम उतना ही लगेगा। सो दीज ऑल थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। मैग्नेटिक फील्ड साइक्लोट्रॉन में एक चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में मूव करवाएगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड उसे एक्सेलरेट करवाएगा। और यहाँ पे हम यूज करते हैं एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज विल प्रोवाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन एसी वोल्टेज का ये मतलब होता है कि उसका जो साइकिल है वो चेंज होता रहता है। एक बार पॉजिटिव साइकिल होता है एसी का एंड एक बार नेगेटिव साइकिल होता है। दिस वी विल डिस्कस इन डिटेल इन कंस्ट्रक्शन। इस सर्कुलर मोशन के लिए टाइम पीरियड ऑफ वन रेवोल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट स्पीड एंड रेडियस। दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो टाइम पीरियड इज 2 पाई एम ओवर क्यूबी। वन मोर पॉइंट यू हैव टू राइट इन प्रिंसिपल, दैट इज द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैन बी एक्सेलरेटेड टू सफिशेंटली हाई स्पीड विद द हेल्प ऑफ oscillating electric field by making it cross the same electric field time and again with the help of strong magnetic field। ये हम इसकी working करेंगे तो हम वहाँ पे ये वाला point detail में study करेंगे, but in principle you have to write these four points। Now next we have to discuss the construction of cyclotron। तो इसका एक एक part हमने detail में study करना है। तो मैंने आपको बताया
कि साइक्लोट्रोन में यू हैव मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. सो फॉर मैग्नेटिक फील्ड वी नीड अ पेयर ऑफ मैग्नेट्स. सपोज यू हैव हियर अ पेयर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. लेट दिस बी द नॉर्थ पोल एंड दिस बी द साउथ पोल. देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल. सो स्ट्रॉन्ग नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. नाउ हियर द पार्टिकल वेलोसिटी विल बी इन दिस डायरेक्शन. जो पार्टिकल को हमने एक्सेलरेट करवाना है वो इस डायरेक्शन में होगा एंड वो मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही होना चाहिए. दैट इज वाई वी आर यूजिंग द टर्म नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड. नेक्स्ट वी हैव टू डीज, डी वन एंड डी टू. हियर यू कैन सी ये डी शेप है इनकी एंड दे आर मेटेलिक डीज विच आर हॉलो फ्रॉम इन साइड. आप इसे ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि आपके पास एक राउंड शेप्ड टिफिन बॉक्स है दैट इज हॉलो फ्रॉम इन साइड. आप उस टिफिन बॉक्स को सेंटर में से कट कर दो तो आपके पास दो डी शेप्ड ऑब्जेक्ट आ जाएंगे. तो इनकी शेप भी बिल्कुल वैसे ही है. अब ये अंदर से हॉलो है एंड दे आर मेटेलिक. तो हमें पता है कि अगर हम एक कंडक्टर ले लें दैट इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड तो उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है. बिल्कुल उसी तरह इन डीज के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो. नेक्स्ट इज हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एसी ऑसिलेटर. तो यहाँ पे हमने हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर यूज किया है, मतलब हमने हाई फ्रिक्वेंसी एसी वोल्टेज यहाँ पे प्रोवाइड किया है जिसकी फ्रिक्वेंसी हमें गिवन है 10^6 हर्ट्ज. इट कैन बी इवन हायर देन दिस वैल्यू. इसका मतलब कि एक सेकेंड में जो एसी है वो 10^6 टाइम्स पॉजिटिव और नेगेटिव होगा एंड इट प्रोवाइड्स अ वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10^4 वोल्ट्स. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है किस रीजन में, इस रीजन में डीज के बीच में, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगा क्योंकि चार्ज को हमने एक्सेलरेट करवाना है. तो चार्ज को एक्सेलरेट इस रीजन में ही हम करवाते हैं जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. अब ये एसी वोल्टेज है तो ये क्या करेगा कि फर्स्ट साइकिल में क्या होगा, ये डी पॉजिटिव होगी और ये डी नेगेटिव होगी. जब एसी वोल्टेज का सेकेंड साइकिल होगा तो ये वाली डी नेगेटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी. मतलब जो डीज की पोलैरिटी है वो चेंज होती रहेगी विद द हेल्प ऑफ दिस एसी वोल्टेज दैट वी हैव प्रोवाइडेड. तो जब ये पॉजिटिव है, जब ये और ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली होगी. और जब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी. तो ये जो एसी वोल्टेज है वो डीज के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो चेंज करता रहता है. नेक्स्ट वी हैव अ बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स. जिन पार्टिकल को हमने एक्सेलरेट करवाना है इज इंजेक्टेड नियर सेंटर ऑफ डीज. यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स को हम इंजेक्ट करवाते हैं या फिर हम ये भी कह सकते हैं दैट हियर वी हैव सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल्स. नेक्स्ट इज दैट होल सिस्टम इज इनक्लोज्ड इन वैक्यूम चैम्बर. ये सारा एक वैक्यूम चैम्बर है जिसमें ये सिस्टम इनक्लोज्ड रहता है बिकॉज अदरवाइज जो प्रोटॉन्स हैं जिन्हें हमने एक्सेलरेट करवाना है दे विल कोलाइड विद सम एटम्स एंड लूज देयर स्पीड. एंड द लास्ट इज दैट द चार्ज पार्टिकल्स आर पुल्ड आउट ऑफ द डीज बाय अ डिफ्लेक्टिंग प्लेट. सो कंस्ट्रक्शन में ये हमारा एक लास्ट पार्ट है थ्रू अ विंडो W. अब मान लो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस किया और ये ऐसे घूमता रहा और यहाँ पे इसकी स्पीड आ गई मैक्सिमम, जितनी डिजायर्ड स्पीड है वो आ गई और यहाँ से हमने इसे बाहर निकालना है. तो दिस इज द विंडो जिससे हम उसे बाहर निकालेंगे और यहाँ पे हम टारगेट पे स्ट्राइक करवा देंगे और यहाँ पे हम एक डिफ्लेक्टिंग प्लेट लगा देते हैं जो जनरली नेगेटिव पोटेंशियल पे होती है और इस चार्ज पार्टिकल को वो अट्रैक्ट करती है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड का होता है तो वो सीधा जाके आगे टारगेट को स्ट्राइक करता है. नाउ वी हैव टू डिस्कस दैट हाउ डज इट ऑल हैपन. कैसे ये घूम रहा है, कैसे एक्सेलरेट कर रहा है, अब वो सारी चीज़ हमने इसकी वर्किंग में समझनी है. अब नेक्स्ट हमें इसी फिगर की एक सिंप्लीफाइड वर्जन बनानी है. सपोज हम साइक्लोट्रॉन को यहाँ नीचे से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें फिर फिगर कैसी दिखेगी वो हमें देखना है. तो हमें ऐसा लगेगा दैट मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, राइट, एंड हियर यू हैव डीज हॉलो मेटालिक डिस्क. हियर यू हैव एन ऑसिलेटर विच विल प्रोवाइड एन एसी वोल्टेज और जब डिजायर्ड स्पीड आ जाएगी
तो यहाँ पे हमारे पास एग्जिट पोर्ट है जहाँ से पार्टिकल बाहर जाएगा एंड इट विल स्ट्राइक द टारगेट। नाउ वी विल डिस्कस द वर्किंग। अब मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, ये एसी वोल्टेज सोर्स है जो एसी वोल्टेज प्रोवाइड करेगा और इसी के कारण हमारे पास साइक्लोट्रॉन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। नाउ एज दिस इज एन एसी ऑसिलेटर, तो सपोज इसने यहाँ पे प्लेट को दिया पॉजिटिव पोटेंशियल और यहाँ पे दिया नेगेटिव पोटेंशियल। यहाँ पे हमारा पार्टिकल है जिसे हमने एक्सेलरेट करवाना है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इन बिटवीन द प्लेट्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस रीजन में है। अब होगा क्या, नाउ ड्यू टू नेगेटिव पोटेंशियल ऑन डिस्क D2 द पार्टिकल विल बी एक्सेलरेटेड टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन। अब जब वो यहाँ पे पहुँचेगा इस पॉइंट पे, तो ड्यू टू परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड वो सर्कुलर मोशन में चला जाएगा ऐसे। तो अंदर पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेटिंग द पार्टिकल एंड डीज के अंदर इनसाइड डीज इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो यहाँ पे अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है, तो वो पार्टिकल को सर्कुलर मोशन दे देगा। अब जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल इस गैप में पहुंचेगा, यूजिंग द वोल्टेज सोर्स वी हैव टू चेंज द पोलैरिटी। अब पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, अब ये डिस्क नेगेटिव पे आ जाएगी और ये पॉजिटिव पे आ जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अब डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी। तो अब जब पार्टिकल इस पॉइंट पे आएगा तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्सेलरेट द पार्टिकल और पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ने उस पर फोर्स अप्लाई किया, सो चार्ज विल एक्सेलरेट, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो ये रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको अभी रिलेशन बताया था दैट आर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज एम वी ओवर क्यू बी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाएगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो रेडियस भी इंक्रीज हो जाएगा। अब ये इस रीजन में आ जाएगा इनसाइड डिस्क D1 एंड इनसाइड D इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। तो यहाँ पे वो कोई एक्सेलरेशन नहीं करेगा लेकिन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसका जो पाथ है वो सर्कुलर हो जाएगा और पार्टिकल यहाँ पे पहुँच जाएगा। अब फिर से क्या होगा, जैसे ही पार्टिकल यहाँ पे आएगा हम फिर से ऑसिलेटर यूज़ करके इन डीज की पोलैरिटी चेंज कर देंगे, तो हम फिर से यहाँ पॉजिटिव कर देंगे और यहाँ पे नेगेटिव कर देंगे। तो अब फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। नॉट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, यहाँ पे इस रीजन में पार्टिकल फिर से एक्सेलरेट करेगा। तो जब वो एक्सेलरेट करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो रेडियस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। नाउ इट विल मूव इन अ सर्कल ऑफ ग्रेटर रेडियस। अब फिर से क्या होगा कि जब वो D2 में एंटर करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या हो जाएगा, जीरो। तो फर्दर एक्सेलरेशन यहाँ इस पार्ट में नहीं होगी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, उसे सर्कुलर पाथ में मूव कर देगा। सो दिस प्रोसेस विल गो ऑन रिपीटिंग एंड अल्टीमेटली हमारा जो पार्टिकल है जिसे हमने एक्सेलरेट करवाना है तो इस रीजन में एक्सेलरेट होगा, फिर सर्कुलर पाथ में जाएगा, फिर इस रीजन में एक्सेलरेट होगा, फिर सर्कुलर पाथ में जाएगा एंड अल्टीमेटली जब हमारे पास डिजायर्ड स्पीड आ जाएगी तो हम उसे बाहर इजेक्ट करवा देंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट व्हेन पॉजिटिव आयन ऑफ चार्ज क्यू एंड मास एम इज इमिटेड फ्रॉम सोर्स इट इज एक्सेलरेटेड टूवर्ड्स डी विद नेगेटिव पोटेंशियल। तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ डी का नेगेटिव पोटेंशियल है, यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो चार्ज इधर चला जाएगा। वंस इनसाइड द डी, तो जब यहाँ ये इनसाइड द डी होगा इट इज शील्डेड फ्रॉम इलेक्ट्रिक। तो ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है ये इधर गया था एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, परपेंडिकुलर टू पेज ऑफ पेपर आउटवर्ड्स। तो अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये फोर्स जो इस पे लगेगा वो हमने कैसे फाइंड किया कि फोर्स ऐसे क्यों नहीं लगा, फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगा, ये डायरेक्शन में लगा।
तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए राइट हैंड पाम रूल. यू कैन इवन यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन. राइट हैंड पाम रूल आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. इन दिस यू प्लेस द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट और मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज. तो आप हैंड की परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करोगे डायरेक्शन, वो आपको फोर्स की डायरेक्शन देगी. तो इसमें देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर. तो आप जो अपनी पाम है, जो फिंगर्स हैं, वो आउटवर्ड रखोगे. ये बी की डायरेक्शन है. अब जो हमारा ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इट इज मूविंग टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन. तो ये करंट की डायरेक्शन होगी. तो आपने अपनी पाम की लोअर साइड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सो दीज थ्री डायरेक्शंस विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, तभी हमारा चार्ज पार्टिकल ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा है. नेक्स्ट इज बाय द टाइम द आयन अराइव्स एट द गैप द पोलैरिटी ऑफ डीज गेट रिवर्स्ड. मतलब जब ये यहाँ गैप पे आएगा तो फिर पोलैरिटी चेंज हो जाएगी. ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा. Hence the particle is once again accelerated. तो यहाँ पे due to this electric field in this direction, ये particle फिर से accelerate हो जाएगा and moves into other D with greater velocity and with a circle of greater radius. So जैसे जैसे velocity बढ़ेगी वैसे वैसे इस circle का radius भी बढ़ जाएगा. Thus the particle will move in a spiral path. ऐसे फिर spiral path में वो move करेगा of increasing radius. And finally, it will come out of the deflector plate. Thus, the particle moves in spiral path of increasing radius. And when it comes near the edge, it is taken out by the deflector plate. So, यहाँ पे deflector plate हम लगा देंगे और इससे ये बाहर आ जाएगा. तो यहाँ पे बस सिर्फ इतनी बात हो रही है कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है और इस रीजन में ये पार्टिकल को एक्सेलरेट करवा रहा है, उसकी स्पीड इंक्रीज करवा रहा है. और मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, वो दोबारा दोबारा इस चार्ज पार्टिकल को वापस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहा है ताकि ये एक्सेलरेट हो पाए. सो द पार्टिकल विद हाई एनर्जी इज नाउ अलाउड टू हिट द टारगेट. Now next we have to discuss a very important condition that is known as cyclotron resonance condition. The frequency of applied voltage is kept exactly the same as frequency of revolution of ion. अब हमें यहाँ पे जो frequency है oscillator की वो कितनी रखनी है. Because time period of charge for completing one circle, it should be equal to time period of an AC to complete one cycle. मतलब जब हमने हमारे चार्ज पार्टिकल ने एक ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया, बिकॉज ये सर्कल का जो ये वाला डिस्टेंस है वो बहुत कम होता है, तो हम ये एक कंप्लीट साइकिल ले सकते हैं. तो दिस शुड बी इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ एन AC टू कंप्लीट अ साइकिल. एक बार AC को पॉजिटिव होना है, एक को एक बार नेगेटिव होना है. तो जितनी देर में Q एक बार घूमेगा उतनी देर में इस डिस्क को एक बार पॉजिटिव होना है और एक बार नेगेटिव होना है. फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारा यहाँ से शुरू करता है चार्ज पार्टिकल मूव करना, तो इस टाइम ये वाली D क्या होगी, नेगेटिव. अब वो घूमेगा, घूम के जैसे वो यहाँ पहुँचेगा इधर, ठीक है, तो ये वाला पोलैरिटी चेंज होगी, तो ये वाली डिस्क हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि तब ये नेगेटिव होगी इसे अट्रैक्ट करने के लिए. फिर ये यहाँ पे अपना एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा यहाँ तक. तो मतलब जब ये पार्टिकल ने एक सर्कल कंप्लीट किया तो ये वाली जो डी है वो एक बार नेगेटिव हुई, एक बार पॉजिटिव हुई. सो वी कैन से दैट नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड इन वन सेकेंड बाय दिस चार्ज क्यू और द फ्रिक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल शुड बी इक्वल टू फ्रिक्वेंसी ऑफ ए सी. तो वन सेकेंड में जितनी बार ये रेवोल्यूशन करेगा उतनी बार ही एक सेकेंड में एसी अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा. तो इस कोऑर्डिनेशन से होगा क्या, दैट एवरी टाइम द आयन रीचेस द गैप बिटवीन द टू डीज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स्ड. कि जब भी ये गैप में रीच करेगा उस टाइम पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स हो जाएगा. फिर यहाँ पे जाएगा फिर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा, फिर यहाँ आएगा फिर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा. सो दिस कंडीशन इज नोन एज रेजोनेंस कंडीशन. सो वी हैव टू नाउ डिस्कस फ्यू फॉर्मली.
तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? मैग्नेटिक फोर्स। तो इसका मतलब सर्कुलर मोशन में जो रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स आपको पता है ये होता है क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अब अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये आ जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। नाउ एंगल बिटवीन वी एंड बी इज 90 डिग्री तो एफ आ जाएगा क्यू वी बी। तो यहाँ पे जो क्यू वी बी है वो सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा दैट इज एम वी स्क्वायर बाय आर। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इक्वेशन। तो यहाँ से हम रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ भी निकाल सकते हैं। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ हमारे पास आ जाएगा एम वी ओवर क्यू बी। तो रेडियस विल कम आउट टू बी इक्वल टू दिस वैल्यू। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। ये इक्वल आता है 2 पाई एम ओवर क्यू बी। अगर आपने इसकी डेरिवेशंस देखनी है आर की और टी की डिटेल में देन आई वुड सजेस्ट यू टू वॉच द वीडियो लेक्चर मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। सो नाउ द साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी विल कम आउट टू बी 1 ओवर टाइम पीरियड दैट इज क्यू बी ओवर 2 पाई एम। एंड here also you can see that cyclotron frequency is independent of velocity and radius. Agar ye velocity aur radius pe depend karti to it would have been very difficult to achieve the resonance condition. Now next we have to discuss the maximum kinetic energy of accelerated electrons. Ab hame nikalna hai ki jo charge particle yahan se bahar aayega uski kinetic energy kitni hogi. तो यहाँ पे हम दो टर्म्स लेते हैं r नॉट दैट इज रेडियस ऑफ द डिस्क। ये जो डिस्क है इसका रेडियस है r नॉट एंड v नॉट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन बाय द आयंस जितनी वेलोसिटी से वो बाहर निकलेगा। अब यहाँ पे हमें पता है दैट द मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है क्यू वी बी और यहाँ पे कितना लगेगा क्यू वी नॉट इन टू बी एंड दैट विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। तो हम इसमें मतलब लास्ट वाला ये सर्कल डिस्कस कर रहे हैं। तो ये वाला जो बाहर वाला सर्कल है पार्टिकल का जो पाथ है उसका जो रेडियस होगा वो अप्रोक्सीमेटली डी के ही रेडियस के इक्वल होता है। तो यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी क्यू बी आर नॉट बाई एम। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर और वी नॉट की हम यहाँ पे वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल कम आउट टू बी क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर ओवर 2m। नाउ द यूजेस ऑफ साइक्लोट्रॉन। सो दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द बिगनिंग कि ये हम यूज करते हैं टू बम्बार्ड द एटोमिक न्यूक्लियस अगर हमने उसका इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करना है। एंड सेकेंड इज इट इज़ यूज टू इम्प्लांट आयंस इन टू द सॉलिड एंड सिंथेसाइज न्यू मटीरियल कि अगर हमने कोई नया मटीरियल बनाना है उसकी प्रॉपर्टीज़ को हमें चेंज करना है तो उसमें हमने आयंस को भेजना है। अब आयंस भेजने ईजी नहीं होते बिकॉज ऑफ ऑल द अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेज इन द न्यूक्लियस। तो हम हाई स्पीड आयंस ही हमें भेजने पड़ेंगे उन्हें हम अंदर उसके एम्बेड करवा सकते हैं। एंड थर्ड इज इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो जहाँ पर भी हमने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को चेंज करना है वहाँ हमें साइक्लोट्रॉन से हाई एनर्जी पार्टिकल्स जो मिलेंगे उसकी यूज करके वो पॉसिबल होता है। एंड लिमिटेशंस, अब यहाँ पे सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन्स को ही एक्सेलरेट करवा सकते हैं। जो न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स हैं जैसे न्यूट्रॉन्स दे कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड। एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड क्योंकि अगर हम ट्राई करें इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवाने के लिए एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका मास बहुत कम होता है 9.1 × 10⁻³⁻³ के जी। तो जब हम उन्हें एक्सेलरेट करवाने की कोशिश करते हैं तो उनकी स्पीड एकदम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और जो रेजोनेंस कंडीशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है बिकॉज जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी एंड इट विल अप्रोच वेलोसिटी ऑफ लाइट तो मास भी इंक्रीज होने लग जाएगा। ये हम अभी फोर्थ पॉइंट में डिस्कस करेंगे। थर्ड इज आयंस कैन नॉट मूव विद स्पीड बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट। एक स्पीड होती है, एक लिमिटेशन है इसमें कि जो मैक्सिमम स्पीड है वो उतनी ही अचीव कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा स्पीड इंक्रीज करेंगे तो मास इंक्रीज होने लग जाएगा एंड सिंक्रोनाइजेशन सारी खत्म हो जाएगी, रेजोनेंस कंडीशन हमारे पास नहीं रहेगी। बिकॉज अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मास ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज विद इट्स वेलोसिटी। नाउ एम इज इक्वल टू
एम नॉट ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो अगर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लग जाएगी तो ये वाला फैक्टर 1 से कम हो जाएगा एंड एम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी हमने किया था दैट साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी इज गिवन बाय क्यू बी ओवर 2 पाई एम। सो एट हाई वेलोसिटीज द साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी विल डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन मास। तो होगा क्या, दैट दिस विल थ्रो द पार्टिकल्स आउट ऑफ रेजोनेंस। तो इसका मतलब ये है कि जब आयन गैप के अंदर आएगा तब पोलैरिटी ऑफ डी उसी टाइम रिवर्स नहीं होगी एंड रेजोनेंस कंडीशन डिस्टर्ब हो जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द साइक्लोट्रॉन्स प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन थ्योरी वर्किंग यूजेस एंड लिमिटेशंस।